कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आपकी छोटी चिंगारी आपकी ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रोंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत लिफ्ट में जाना है, बटन दबाना है और रातों रात मैंने टॉप फ्लोर पे पहुंच जाना है। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह को शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ना, बहुत बड़ी है। हमने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों के इसी दीवार खड़ी कर दी ना कि मुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, याद नहीं रहता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों जो है सबसे ठीक है। ईश्वर खुदा ने हमें जैसा बनाया, कुछ सोच समझ कर बनाया, उनको धन्यवाद करें आज की परिस्थितियों के लिए और आगे बढ़े। नहीं तो एमए की, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास की दो दो डिग्रियां मेरे पास थी। थोड़ी और कोशिश करता तो मैं भी किसी बैंक में क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सेंक्शन करता होता। लेकिन सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाते, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। आप ही की तरह काफी विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी बड़ा हताशा डिप्रेशन का माहौल है। अभी वही टीनेजर्स की बात करें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो गए, कहीं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए, बस स्कूल अटकाए हुए बैठे हुए। मैं उन सभी से कहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में हम हाथ डाले सफलता ही सफलता मिलेगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं को हम स्वीकार करना सीखे और असफलताओं की बुनियाद भी सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है। मैंने एक फिल्म देखी थी मेरी वाइफ के साथ, थ्री इडियट, आप सबने भी देखी रही, बड़ी प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छा मैसेज था। लेकिन उसका एक सीन मुझे समझ में नहीं आया, उस हेलीकॉप्टर बनाने का जो प्रोजेक्ट उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को दिया गया था, वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया तो क्या करता है, पंखे से लटक कर खुद उड़ गया। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज हम तुरंत गिव अप करने के लिए, तुरंत हम एक लास्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए बिल्कुल उतावले हो जाते हैं। काफी मैंने सोचा इस बारे में, तब लगा कि उसने अपने आप को चार दीवारी में बंद कर रखा था, उसने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए थे। दोस्तों जिस उम्र में आप है, एक चार पांच तीन दोस्तों का आपके सराउंडिंग में होना बहुत जरूरी है। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तीन चार ऐसे अच्छे दोस्त आपके सराउंडिंग में बिल्कुल होने चाहिए जिनको आप दिल की पूरी बातें कह सके और उनसे अपने दिल का पूरा हाल आप बयान कर सके। और जब भी कभी भविष्य में न हो, आपके जीवन में ऐसा कभी भी क्षण आए, आज के दिन को याद करके आप चाबी की उस गुच्छे को याद कर लेना जिसमें 30, 40, 50 कितने भी चाबियां हो, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो बस हम निरंतर प्रयत्नशील रहे, गिव अप करने से ज्यादा कहां कम पड़ गए, कहां पे हमारी वीकनेस है उसको ढूंढते हुए उसको और मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो आज भी ये हताशा डिप्रेशन के माहौल में है, आज इस मंच से मैं उनको बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह, जो बीत गया उसको हम डस्टर से साफ करें और जो एंटी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे सुवर्ण अक्षरों से वापस अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। एक पॉजिटिव अप्रोच का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है दोस्तों। वो महात्मा गांधी जी के तीन मंत्रों वाली बात आपने, मैंने, सबने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन तीन बंदरों के परिवार में एक और बंदर को शामिल करने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। ओशो जो आचार्य रजनीश थे वो अक्सर इस ताकत को अस्तित्व का नाम देते थे, हर बार कहते थे कि एक ताकत पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए बड़ी तत्पर होती है। आप फिल्म की बात ज्यादा समझते हो तो शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इसी ताकत को कायनात का नाम दे दे। हजारों नाम हो सकते हैं लेकिन एक अदृश्य ताकत बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें,
एनर्जी क्यों ना सोचें, दूसरे की बुराइयां और दूसरों की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जाने का वक्त आ जाता है और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा कि आईना पोछता रहा, आईना साफ है, बस हम अपने चेहरे की धूल को साफ करें, आगे बढ़े। अच्छा, आप सर के काफी विद्यार्थी मित्रों से जब मैं हाथ मिलाता हूँ, प्राचार्य सर इनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां क्यों पहनी, कहते अभी बस स्पोर्ट्स पास में आ गए, एग्जाम पास में आ गई, तैयारियां हुई नहीं, इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे बताते भी कि देखो सर ये जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने अपनी अंगूठी में सजाया हुआ है वो मंगल ग्रह का है, ये दूसरा वाला किसी और ग्रह का, दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में सजाए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे, उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे। जो अच्छा बुरा करना है हमने खुद ने अपना करना है। वामन राव पै मराठी साहित्य में क्या खूब कहते हैं कि तुझ तुझे जीवनाचा शिल्प का पार का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। लेकिन जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं उन तमाम मित्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, अरे शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं, कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं हमारी जिंदगी की। मुझे अभी भी लग रहा है प्राचार्य सर के जिन्होंने अपने उंगलियों में ऐसी अंगूठियां पहनी हुई और दिल से ताली नहीं बजा रहे, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन ये अंधविश्वास से दूर रहकर हम अपने आप पे भरोसा कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक 10-12 मिनट और लेता हूं मैं आपकी। कुछ 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से दोस्तों स्पोर्ट्स करीब करीब निकल चुकी थी और जिस कार्यक्रम के लिए हम आप जुड़े हैं तो उसके साथ मैं कहां जुड़ता हूं, मैं उसका थोड़ा सा 5-7 मिनट में आपके साथ बात करना चाहता हूं। जिस तरह से ओलंपिक होते हैं आप सब जानते हैं, पैरा ओलंपिक, अब तो पैरा ओलंपिक ओलंपिक से भी ज्यादा प्रचलित होने लग गया, काफी लोग उसको देखने लग गए, सराहने लग गए। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक, शॉटपुट, डिस्कस, जावलियन, बचपन से गायकवाड़ साहब मेरे पसंदीदा खेल थे और पहली बार मुझे डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक या सतारा जिले में खेलने का मौका मिला साउथ स्टेडियम में, वहां से क्लियर कर 2000-2001 में मैं पहली बार नेशनल खेला बेंगलोर में कंतीरवा स्टेडियम में और 2002 में एक ऐसा समा बंधा कि 2002 से टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। मुझे विक्रम सरसरी के अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने काफी टेक्निकल जो मेरे प्रॉब्लम्स थे ये स्पोर्ट्स के उसमें मुझे काफी सपोर्ट किया, इसके लिए मैं विक्रम सर का आजीवन ऋणी भी रहूंगा। और 2002 से टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। कुछ मेडल्स मैं आपके लिए दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अब तक मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं दोस्तों, 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं। महाबलेश्वर में यूनियन बैंक में 3 लोकर हमें दिए गए सिर्फ मेडल रखने के लिए, लेकिन इसमें मेरी वाइफ का बड़ा जबरदस्त योगदान है। वो कहती थी कि भाई आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा हो कि जिम ही आप तक आ जाए, उसने घर पे ही एक जिम लगा दी। अब परिस्थिति यह है विक्रम सर के रोज सुबह 4 से 8 जिम में जाना पड़ता है, उसके बिना नाश्ता ही नसीब नहीं होता और कई बार रात को ट्रैवल हो जाती है 2-3 बजे वापस आओ तो बट नेचुरली सुबह जिम में नहीं जा पाते, फिर वो नाश्ता नहीं मिलता, फिर बड़ी खुशामदें करो, बड़ी मिन्नतें करो तो आधा सा पराठा दे दिया जाता है, उस प्लेट को लेकर जिम के किसी कोने में चेहरा नीचे करके गुनेगार की तरह चुपचाप खा लेता हूँ गायकवाड़ साहब, और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन ये सब के सब मेडल नीता मेरी धर्मपत्नी को समर्पित है। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, एक भी नहीं खाता, लेकिन रोज का नियमित शराब, आज भी 50 की उम्र में 350-400 पुशअप्स रोज लगाता हूँ, ग्राउंड प्रैक्टिस है, लेकिन परेशानियां मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ा दी, नवे सर जानते हैं, रोज मेल करके मुझसे कहता कि बाकी सब ठीक है लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन आपने 6 से 8 किलोमीटर दौड़ना चाहिए स्टेमिना के लिए। अभी उसको क्या मालूम कि हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोच कहता है तो करना पड़ेगा क्योंकि साइको रोज रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है। मेरी वाइफ ने कहा चलो कुछ रास्ता निकालते हैं, अपनी कार में बिठाकर वो महाबलेश्वर में एक पोलो ग्राउंड है वहां ले गई, बड़ा सा ग्राउंड, उसने कहा 800 मीटर का एक ग्राउंड
तुम 10 राउंड लगाओ तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांध कर भागूंगा, लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की में से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली, एक छोर उसने अपनी कार के कैरियर को लगाया, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़ कर भागो, और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी रोशना बहन बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया मेरी धर्म पत्नी ने, लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 दिन टिकी, 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे उससे बड़ा दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को अपनी वाइफ से दबके रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि आज गलती से उसके सामने ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और लेकिन ये सब के सब मेडल उसको समर्पित है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर बॉडी फिट है तो हमारा मन मस्तिष्क विचार हर चीज फिट है। हमने मोबाइल क्या हमारे हाथ में आ गया, ये स्मार्टफोन क्या हमारे हाथ में आ गया, हमने खेलना ही शायद हम भूल गए। अभी एक 4-5 महीने पहले प्राचार्य सर एक राकेश झुंझुनवाला साहब है जो शेयर मार्केट के बहुत किंग माने जाते हैं, उनकी एयरलाइंस भी है, काफी धनी व्यक्ति, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उसमें वो कहते थे कि मेरे पास 62,000 करोड़ है, लेकिन मैं अपने आप को, मैं जो किडनी का मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों हमने हेल्थ को गिरवी रख के पैसों के पीछे भागना शुरू किया कि जब पैसा आ जाएगा तब हेल्थ को ठीक कर लेंगे, न फिर हेल्थ बची न पैसा बचा। और उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुनेगारों की इस दुनिया में हम भी गुनाह कर बैठे, कैसी मिली थी जिंदगी और कैसी तबाह कर बैठे। दोस्तों कुछ वक्त बिल्कुल हमने स्पोर्ट्स के लिए देना जरूरी है, और आप तो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप और ज्यादा वक्त दे सकते हो और आप और आगे चलकर आसमान की बुलंदियों को छू सकते। खेलो इंडिया से लेके ये महाराष्ट्र मिनी ओलंपिक से लेके कितने कितने अभी नए ऐसे स्पोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें आप आपको साबित कर सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जिमखाना का आह्वान ननवले सर पढ़ रहे थे कि कितना सुंदर आप आगे बढ़ रहे हो, कितने सारे शिव छत्रपति स्टूडेंट भी आपके बीच में हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और जिसके पास स्किल है, जिसके पास में आगे बढ़ने की क्षमता है, उसके लिए तो सरकार भी बहुत काम कर रही है। और ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ भाइयों के लिए, ये मेल के लिए सिर्फ नहीं, जितनी बहनें हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। तो कुछ वक्त हमने बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए जो भी अच्छा लगता है हमें उस ओर हमने आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आज जापान, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड से हजारों करोड़ रुपए की कैंडल्स जो हमारे इंडिया के मार्केट में है, उनको जिस तरह से मैं मार्केट में पटकने लगाता हूँ, उसी तरह से मैं स्पोर्ट्स में भी वहां से आए हुए खिलाड़ियों को पटकने लगाता हूँ। नियमित शराब, मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, मैं जो कैंप में भी अपना स्प्राउट का बॉल लेके नींबू निचोड़ कर मैं खाता हूँ, वो लोग इतने तगड़े तगड़े 150-200 किलो के एक नाश्ते में पूरा चिकन खत्म कर देते हैं। लेकिन कई बार ननौड़े साहब मैंने देखा कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं इंजेक्शन ले लिए, कहीं दवाइयां ले ली और डोपिंग में पकड़े गए, और जहां अच्छा कैरियर हो सकता था उनका, वहां उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, उसमें से वो पीछे रह गए। तो ये शॉर्टकट वहां पे नहीं चलेगा दोस्तों। अब तो स्टेट हो, नेशनल हो, हर जगह पे बड़ा ध्यान रखा जाता है इस डोपिंग के ऊपर में, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मार सकते। बस आप नियमित शराब करते हुए, अभी 1 महीने के बाद में स्पोर्ट्स निकले हुए और महीने के बाद जाकर हम काम करें तो नहीं चलेगा। हमने कंटिन्यू रोज का दिन हमारा बस ये तैयारी का दिन है, इस तरह से हम आगे बढ़े तभी हम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आज आप में से काफी लोगों को आज यहाँ पे आपको सत्कार भी होगा, आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, आपके मेडल्स भी दिए जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह गए उन्हें जरा भी हताश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने और जोर लगाना है। और आने वाले दिनों में आप सब आगे बढ़िए। मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स है दोस्तों, लेकिन जब अगली बार जब भी मुझे आने का मौका मिला, बस मैं चाहता हूँ, आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा मेडल्स आप लोग लेके आइए। बिल्कुल मंजूर है आपको?
बिल्कुल हम लोग इस तरह से आगे बढ़े और ये सिर्फ वैयक्तिक तौर पे नहीं, हम हमारे साथ साथ में हमारा प्यारा जो शिवाजी कॉलेज है, हमारा सतारा जिला है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, हमारा देश, हम सबका नाम रोशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। लेकिन एक बात मैं आप खास आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार मैंने अनुभव किया कि कॉलेजों में भी अगर एडमिशन भी लिया जाता है तो आगे चलकर क्या पढ़ाई करेंगे, कितना पैकेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, बस हमने सिर्फ पैसों के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। और आज तो समाज की व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है कि किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी बैंक बैलेंस है, हर किसी ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। कई कई ऐसे मित्रों से मिलता हूँ, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारियां करते हैं, चार चार पाँच पाँच साल लगे रहते हैं, उसके बाद में कहीं उनको सफलता भी मिल जाती है। और फिर मैं जब उनसे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ क्या चल रहा है, तो बस अब यहाँ पे पोस्टिंग हो चुकी है और अब कुछ भी काम नहीं है हमको। तो ये कुछ भी काम न करने के लिए हमने थोड़ी यूपीएससी एमपीएससी पढ़ी थी, आज हमारे ऊपर देश का बड़ी जवाबदारियां है। ये पढ़ाई करके हम आगे चलकर ये शासकीय परीक्षाएं क्लियर करके अगर एक अधिकारी बनते हैं तो दुनिया भर की जवाबदारियां हमारे ऊपर है। और कई बार ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि अब तो कुछ भी काम नहीं है, बड़ा सुकून हो चुका है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इस तरह से आगे भी बढ़ना है तो हमने एक सही तौर पर एक सच्चे अधिकारी के तौर पर तैयार होकर हमने देश सेवा को ध्यान में रखते हुए ये पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन आज समाज में चारों ओर सिर्फ पैसों से एक दूसरे को तोलना शुरू कर दिया। जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें उस फुटपाथ पे खुली गटर के बाजू में मैं कहता तो शायद कुछ मतलब नहीं था, लेकिन